this is the bilateral meeting which is taking place ahead of the state funeral of Shinzo Abe in Tokyo. Prime Minister Modi there meeting Fumio Kishida, the Japanese Prime Minister there. This is a bilateral talks which is being held between the two countries on the backdrop of this world event which is being held in Tokyo at the moment. We know that in a short while from now, later today, there will be world leaders in attendance to this mega state funeral which has been planned by Japan in the memory of the former Japanese Prime Minister who was assassinated recently. And just ahead of that, bilateral talks being held between the two countries, Prime Minister there landing in Tokyo a short while back. तो आप सीधे टोक्यो से तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और बायलेटरल टॉक्स में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि शिंजो आबे का आज फ्यूनरल है और इसी के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और इसी बीच ये बायलेटरल टॉक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम के बीच। तो तस्वीरें आपके सामने टोक्यो से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं जापान में और ये बेहद अहम मुलाकात है आज की। आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लिए जापान एक राजकीय अंतिम संस्कार की मेजबानी कर रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और पीएम किशिदा से मुलाकात हो रही है, बायलेटरल टॉक्स है। तो सीधी तस्वीरें आप टोक्यो से देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि आज फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आए हैं शिंजो आबे का, लेकिन इसी बीच एक अहम मुलाकात बायलेटरल टॉक्स हो रही है। आज पीएम मोदी जापान के पीएम किशिदा से मुलाकात कर रहे हैं और एक फॉर्मल सेरेमनी भी होगी और इसी के साथ ही आज की ये अहम बायलेटरल टॉक्स इंडिया और जापान के बीच में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान जाने से पहले कहा था कि एक ट्वीट कर ये कहा था कि वे जाएंगे और कॉन्डोलेंसेस पे करेंगे और मेरे सहयोगी श्रींजॉय इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्रींजॉय, तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे पहले भी कि आज एक तरफ तो फ्यूनरल है, दूसरी तरफ बायलेटरल टॉक्स भी हैं और तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी हैं, ये मुलाकात हो रही है, तो कितनी अहम है ये बायलेटरल टॉक्स और क्या मुद्दा रहेगा इसमें? देखिए, पहली बात है शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी के पहले जापान का साथ अच्छा ही रिलेशनशिप था भारत का, लेकिन ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप था। इसको ये रिलेशनशिप को इस इकोनॉमिक से लेके स्ट्रेटेजिक में ले गए हैं, पॉलिटिकल में ले गए हैं, मिलिट्री में ले गए हैं शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी। अब ये रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका याद है जापान भारत के साथ क्वाड में है, भारत के साथ मालाबार एक्सरसाइज करते हैं और अभी भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत ही मजबूत है। ये बहुत कुछ एजेंडा में है और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बन चुका है भारत का जापान के साथ, ये तो है ही। उसके बाद फ्यूनरल है आप जैसे कहे थे और मिसेज आबे से एक बार मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर विल पे हिज कंडोलेंसेस, ये सब है। उसके ये छोड़ के भी एम्परर तो है ही, उनसे भी मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन श्रींजॉय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से जाने से पहले उन्होंने इतना ज़रूर कहा था कि
वे मुलाकात करेंगे, तो इस दौरान उनका मुद्दा रहेगा कि स्ट्रेंदन हो जाए ये रिश्ता जो पहले शिंजो आबे के साथ रहा है, वो ही अभी मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ भी भारत और जापान का रिश्ता रहना चाहिए, तो उसी मजबूती के लिए आज ये मुलाकात अहम। देखिए बहुत इश्यूज रहा है, भारत आपके मान लीजिए क्वाड में है, क्वाड में है इसीलिए इश्यूज लाइक वैक्सीन डिप्लोमेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इश्यूज में आपका जो सप्लाई चेन का जितना प्रॉब्लम्स है वो मानने करने है। और यूक्रेन का वॉर के लिए भी बहुत सारे है, वो इसको भी देखभाल करने पड़ेगा। इकोनॉमिक इश्यूज में आप देखिए इकोनॉमिक इश्यूज तो है, उसके बाद मालाबार है, साउथ चाइना सी में क्या सिचुएशन है, क्योंकि जापान और भारत का जब बातचीत होता है एक इश्यू आता ही और इस बार भी आएगा, ये है चीन। चीन का जो एग्रेशन है, चीन का जो एग्रेशन और चीन जो एग्रेशन दिखा रही है मान लीजिए ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में, वो तो सब इससे प्रॉब्लम कौन कौन फेस कर रहा है, भारत फेस तो कर ही रहा है, जापान भी कर रहा है, कोरिया भी कर रहा है, फिलीपींस भी कर रहा है, तो चीन के बारे में बातचीत तो हो गई। वो छोड़ के, चीन छोड़ के भी मेजर इशू बहुत सारे हैं। एक तो मालाबार एक्सरसाइज है, वो क्वाड कब होगा, ये क्वाड के बारे में भी बातचीत हो सकता है, तो पॉलिटिकल इश्यूज में बात होगा, मिलिट्री इश्यूज में बात होगा, स्ट्रेटेजिक इश्यूज में बात होगा, इकोनॉमिक इश्यूज में बात होगा, तीन चार एरिया में बातचीत होना है। जी बिल्कुल, तो काफी सारे इश्यूज हैं श्रींजॉय अगर देखा जाए, लेकिन इसी बीच इस फ्यूनरल का अगर हम बात करें तो उसका विरोध होने की भी बात सामने आ रही है। कुछ लोग वहाँ पर इसको कह रहे हैं कि सबसे एक्सपेंसिव फ्यूनरल ये आज का होने वाला है, इसलिए स्थानीय स्तर पर वहाँ पर इसका विरोध भी हो रहा है। लेकिन इसी बीच अगर हम भारत की बात करें तो पीएम मोदी ने हालांकि इससे कुछ समय पहले ही क्वीन का फ्यूनरल अटेंड नहीं किया था, लेकिन ये फ्यूनरल ज़रूर अटेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने की भी बात हो रही है इसमें। वो तो जरूर है, देखिए क्वीन का फ्यूनरल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गई थी, क्वीन हेड ऑफ स्टेट है, द्रौपदी मुर्मू हेड ऑफ स्टेट है, तो उसमें एक बराबरी है। प्राइम मिनिस्टर आबे प्राइम मिनिस्टर थे, हेड ऑफ स्टेट एम्परर ऑफ जापान है, ये एक बात है। वो छोड़ के भी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर आबे और प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनमें दोस्ती था, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही जाना था, क्योंकि एक तो प्राइम मिनिस्टर थे, सेकेंडली दोस्त थे, ये दोनों कारण है प्राइम मिनिस्टर मोदी के जाने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रींजॉय आपका इस जानकारी के लिए।